मैं तमन्ना शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का वर्ल्ड नाउ न्यूज़ में। तो आइए देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ ने दिया विधान परिषद से इस्तीफा, गोरखपुर से चुने गए MLA। उत्तराखंड में दोहराई गई बंगाल की एक साल पुरानी कहानी, BJP ने अपनाया ममता मॉडल। द कश्मीर फाइल्स पर बवाल जारी, कोटा में BJP का आज प्रदर्शन, शहर में एक महीने के लिए लगी धारा 144। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, प्रधानमंत्री भी तो वाराणसी से लड़ते हैं चुनाव। पंजाब की अनोखी कैबिनेट, CM सहित किसी भी मंत्री के पास नहीं सरकार चलाने का अनुभव। फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, बिहार दिवस पर PM मोदी ने किया ट्वीट। BJP विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा शिव का अवतार। गली बॉय के रैपर का 24 वर्ष की उम्र में ही हो गया है निधन, रणवीर सिंह ने जताया शोक। इमरान खान ने फिर की भारत की तारीफ, इंडियन आर्मी को सल्यूट कर कहा वह करप्ट नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा दिल्ली के जरिए पंजाब सरकार को कंट्रोल करने के लिए हो रही है कोशिश। बिहार में जहरीली शराब पीने से 55 लोगों की हुई मौत। मुसलमान परिवार ने मंदिर के लिए दान कर दी 2.5 करोड़ रुपए की जमीन। रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड जैसी चुनौती से मिला सबक, आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी। कश्मीर में आतंकियों ने फिर बाहरी मजदूर को मारी गोली, स्थानीय नागरिक की भी हुई हत्या। पंजाब के बाद आपका मिशन विस्तार, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। कश्मीरी पंडित पर फारूक अब्दुल्ला बोले, अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो मुझे फांसी पर लटका दो। RBI ने की बड़ी कार्रवाई, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा, कश्मीरी पंडित के लिए मेरा दिल आज भी रो रहा है, जो हुआ वो साजिश थी। दिल्ली में एक मां ने अपनी 2 महीने की बेटी का गला दबाकर की हत्या, ओवन में छुपाया शव। मायावती ने अखिलेश यादव और BJP पार्टी पर साधा निशाना, कहा अपने काम के लिए एक सदस्य BJP में भेज दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड नाउ न्यूज। आज की खबर, कल का प्रभाव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।